आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का पाठ 9, जिसका नाम है जंतुओं में जनन। प्यारे बच्चों, जनन जाति यानी स्पीशीज की निरंतरता बनाने के लिए आवश्यक है। जनन के दो प्रकार होते हैं, जिनके नाम हैं लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। लैंगिक जनन में नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन द्वारा जनन होता है। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिसे अंडाणु कहते हैं, और वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिसे शुक्राणु कहते हैं। और आज हम जो क्रियाकलाप करने वाले हैं, वह भी शुक्राणु से संबंधित है, यानी आज हम मानव शुक्राणु का चित्र बनाना सीखेंगे। और इस चित्र को बनाने के लिए हमें चाहिए एक ड्राइंग शीट, पेंसिल और कुछ रंग। चित्र की शुरुआत में हम पेंसिल की सहायता से शुक्राणु की आउटर बाउंड्री बनाएंगे। नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण, दो शुक्राणु, नलिका तथा एक शीशन होते हैं। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिन्हें हम शुक्राणु कहते हैं। वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ हम एक शुक्राणु का चित्र बना रहे हैं और अब हम रंग द्वारा इसकी बाहरी रेखा को बना रहे हैं, जिससे हमें यह स्पष्ट नजर आएगा। यह चित्र बड़ा ही सरल और सुगमता से बनने वाला है, जिसे आप आसानी से बनाना सीख सकते हैं। और अब हम बनाएंगे शुक्राणु का मध्य भाग, जिसे हम अलग रंग से भरेंगे। शुक्राणु यद्यपि बहुत सूक्ष्म होते हैं, पर प्रत्येक में एक सिर, एक मध्य भाग व एक पूंछ होती है। और वास्तव में हर शुक्राणु में कोशिका के सामान्य संघटक पाए जाते हैं। और अब हम रंग भरेंगे शुक्राणु की पूंछ में। इसे हम नीले रंग से करेंगे और यह पूंछ शुक्राणु को गति करने में सहायता करती है। और अब हम बनाएंगे शुक्राणु का सिर, इसे भी हम नारंगी रंग से भरेंगे और इसकी भी जो बाहरी रेखा है, उसे थोड़ा नीले रंग से अलग से चिन्हित करेंगे। और अब हम लिखेंगे अपने चित्र के नाम। नाम अंकित करना अत्यंत आवश्यक होता है। अभी जो हमने बनाया वह है शुक्राणु का सिर, और यह है मध्य भाग, और यहाँ जो हमने अंत में बनाया था यह है पूंछ। और पूंछ भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है शुक्राणु को गति कराने में। और अब हम लिखेंगे अपने चित्र का नाम, और इसका नाम क्या है? मानव शुक्राणु। अंडाणु एवं शुक्राणु का संलयन निषेचन कहलाता है, और निषेचित अंडा युग्मनज कहलाता है। तो यहाँ हमने आज बनाया है मानव शुक्राणु का चित्र, जो अब बनकर तैयार है। इसे आप अपनी कॉपी में अवश्य बनाएं। यह था अपना आज का क्रियाकलाप। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।